कटिंग के बारे में। तो आज हम यूफोरबिया मिले का प्रोपगेशन करेंगे और हम बताएंगे कि यूफोरबिया मिले की कटिंग आप कैसे लगाएं कि आपकी कटिंग सड़े ना, गले ना और ये बहुत ही अच्छे से लग जाए। तो हम सबको चाहिए रहेगा, पहली बात तो आपको पेंसिल इतनी थिक मोटी कटिंग लेनी है, ये इतनी ही मोटी कटिंग आती है और इससे ज़्यादा मोटी कटिंग आपको नहीं लेनी है क्योंकि मोटी कटिंग के प्रोपगेशन की मतलब बात थोड़ी सी कम हो जाती है और जो पेंसिल जितनी थिक कटिंग होती है वो ज़्यादा जल्दी लगती है। तो पहले तो हम लोगों को कटिंग के बारे में बात कर लेनी है, फिर उसके आप काट के लाने के बाद कहीं से भी आप मांग लीजिए या फिर कोई के पास है तो आप अरेंज कर लीजिए। आपको ये जो यहाँ से इसका एक मिल्क टाइप का सक्सेस निकलता है उसको आप 4 to 5 days मैक्सिमम 4 to 5 days आपको ये जो सब्सटेंस है इसको सुखा लेना है। मैंने इसको सुखा के रखा हुआ है तो इसको सुखा लेना है आपको। फिर उसके बाद बात आती है कि इसकी सॉइल मिक्स हम किस सॉइल मिक्स में लगाएं, तो हम आज इसको सैंड में लगाएंगे। आपको छनी हुई सैंड लेनी है, छनी हुई सैंड आपको प्योर सैंड लेनी है और उसमें कुछ नहीं मिलाना है। सैंड जो होती है वो बहुत पोरस होती है और उसकी जो पहली थोड़ी सी रूट्स निकलती हैं उनको मतलब ये पोरस होती है इसलिए रूट्स इसमें जल्दी से डेवलप हो पाती है। तो चलिए इसको तो पहले इधर से ये जो इनकी लीव्स हैं इसको हम काट देंगे, ऐसे करके काट दीजिए आप। ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये थोड़े से लीव्स हैं तो इनको आप रहने दे सकते हैं और ये जो फ्लावर्स हैं इसके ये सब आपको हटा देने हैं। तो चलिए, और ये आपको ज्यादा नहीं बस 6 से 7 इंच बड़ा गमला लेना है और इसमें ये जो ठीकरी होती है ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको ये जो होल्स हैं इनमें आपको बस ऐसे ठीकरी रख देनी है। कोई भी ठीकरी ले सकते हैं, गमले का टूटा पार्ट हो फिर उसमें ये ठीकरी है और ये गमला है इसको सेट कर दीजिए। फिर उसमें आपको सैंड, ये सैंड है इसको भर देना है, अच्छे से भर देना है क्योंकि इसके जो वो जो हमने ठीकरी डाली है उसका हिले ना, इसलिए थोड़ा सा पहले से ध्यान से डालनी है ताकि ठीकरी हिले ना और ड्रेनेज प्रॉपर हो। तो इसमें आप भर दीजिए पूरा। मॉइस्ट हो जाए और फिर
इसको हम लोग ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे 2 से 3 घंटे की मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले, सुबह की मिले, शाम की मिले, चाहे जहाँ की मिले 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको लगनी चाहिए और ये कटिंग आपकी 1 से 2 महीने में तैयार हो जाएगी। तो 1 से 2 महीने में इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी और रिजल्ट अच्छे आएंगे और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे। अगर उसकी सॉइल मॉइस्ट नहीं रहेगी तो ये अपनी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो मैंने सब बता दिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी आने डाल दें। तो इसका रिजल्ट मैं 1 से 2 महीने बाद दिखाऊंगा जब मेरी ये कटिंग लग जाएगी, और नहीं लगेगी तो भी मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट माय वीडियो, इट इज माय 3rd वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू एवरीबॉडी।